अभी हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू डीवा क्लासेस। दिस इज दिव्या वाधवानी और इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल बी डूइंग द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ रेवरी। रेवरी में भी वी विल बी टेकिंग ओनली द पोएम द डार्कलिंग थ्रश। इसके अलावा डोवर बीच और वी आर द म्यूजिक मेकर्स, इन दोनों के क्वेश्चन आई हैव डन ऑलरेडी। मैं पहले ही उनको करवा चुकी हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे। प्लस बर्चेस का अभी तक आया नहीं है, सिर्फ दो ही बार हुए हैं 19 और 20 में, तो दोनों में ही आया नहीं है बर्चेस एक भी बार। और दूसरा इज द क्रॉसिंग द बार, तो दैट विल बी डन आफ्टर वी विल डू दिस वीडियो। इसके बाद कभी और वील ऑल्सो मेंशन दैट प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ क्रॉसिंग द बार। ओके, द क्वेश्चन इज, दिस इज द क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 2019, 2019 में जिस पैटर्न में पूछे गए थे। अभी तो आपके 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसके इसी के अकॉर्डिंग आप एक लेंथ डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज दिस पीडीएफ आई हैव टेकन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ आईएससी ओनली। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक लेंथ डिसाइड कर सकते हो। आफ्टर आई फिनिश ऑल दीज पार्ट्स आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। इफ यू वॉन्ट यू कैन पॉज इट हेयर एंड यू कैन राइट इट ऑल्सो, अपने क्वेश्चन आप लिख भी सकते हो। क्वेश्चन इज, नाउ दिस वीडियो हैज टू पार्ट, जिसमें पहली बार में हम आपको पूरा सॉल्व करेंगे, दूसरे में आई विल बी टेलिंग यू दीज मिस्टेक्स कि क्या चीजें थी जो अर्लियर स्टूडेंट से हो चुकी हैं, एंड आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू रिपीट द सेम थिंग, सो यू कैन टेक इट एज सजेशन। फर्स्ट इज, रेफरिंग क्लोजली टू द पोएम डार्कलिंग थ्रश, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द ब्लीक पिक्चर ऑफ द डे एज डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट। सबसे जो फर्स्ट कह लो कि 5, 6, 7, 8 लाइन थी, उसमें यही चीज बताई गई है, जिसमें यू हैव टू डिस्क्राइब की वॉट एवर थिंग्स आर गोइंग ऑन इन दैट पोएम डार्कलिंग थ्रश, वो आपको बताना है। फिर हाउ डज द एटमोसफेयर सडनली चेंज जब वो थ्रश वहां पर आकर के सॉन्ग गाने लगती है, तो वो आपको इसमें बताना था। एंड लास्ट इज, वॉट आर द पोएट्स फीलिंग्स एट द एंड ऑफ द पोएम, जहां पर वो सरप्राइज था कि ये जो बर्ड है ये ऐसे सॉन्ग क्यों गा रही है। तो दीज थ्री क्वेश्चन वर देयर। फर्स्ट इज, डिस्क्राइब द ब्लीक पिक्चर ऑफ द डे। ओके, तो इसका जो आंसर बनेगा इट विल बी इन दिस वे, दैट इन द पोएम डार्कलिंग थ्रश जो पोएट है दैट पेंट्स अ डिजोलेट विंटर सीन एट द क्लोज ऑफ द डे। क्लोज ऑफ द डे क्योंकि उस टाइम पर शाम हो चुकी थी ऑलमोस्ट, इट वॉज नॉट अ मॉर्निंग टाइम, और द पीपल ऑल अराउंड हैड रिटायर्ड इनडोर्स, वो सब जितने भी लोग थे वहां के वो सब अंदर जा चुके थे। द एरिया ऑल अराउंड वॉज पेल एज अ घोस्ट। नाउ दिस दीज थिंग्स जितना भी पार्ट से पूछा गया, देखो डार्कलिंग थ्रश बहुत बड़ी पोएम नहीं है, तो अगर आप ये जो तीन पार्ट है ना उनको भी अगर आप बाय हार्ट प्रिपेयर कर लोगे, लर्न भी कर लोगे, तो भी यू कैन फेच ईजिली, यू कैन फेच गुड मार्क्स इन दिस। इसीलिए हमने आपको एक लेवल दिखा दिया है कि जो आंसर्स हैं आपसे काउंसिल कैसे आंसर्स एक्सपेक्ट करता है। द एरिया ऑल अराउंड वॉज पेल एज घोस्ट एंड द पेल सन द वीकनिंग आई ऑफ द डे। यहाँ पर किसकी बात की गई है, सूरज जो कि ढल रहा था, लुक्ड डेजोलेट एंड ग्रे इन द ड्रेग्स ऑफ विंटर। द पोएट इज लीनिंग अपॉन अ कोपाइस गेट, कोपाइस जो कि वुडन का गेट है, तो उस पर वो लीन कर रहा था। एज ही लुक्स एट द सीन अराउंड हिम, जैसे वो उसके आस पास के सीन को देख रहा था। द बेयर ट्रीज, क्योंकि उनकी जो लीव्स हैं वो झड़ चुकी थी, लुक्ड लाइक द स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स। दिस आपने अगर वीडियो देखा होगा डार्कलिंग थ्रश का, तो हमने पूरी फोटो दिखाई थी कि ब्रोकन लायर्स या लायर्स कैसे होते हैं, सितार गिटार जैसे होते हैं। द शार्प फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप अपियर्ड टू बी कॉर्प्स या डेड बॉडीज ऑफ द डाइंग सेंचुरी, और जो शार्प फीचर्स थे वहां पर ऐसे लग रहे थे उस लैंडस्केप के, ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई डेड बॉडीज हो वहां पे। द कैनपी ऑफ क्लाउड्स सीम टू बी द क्रिप्ट ऑफ सेंचुरीज कॉर्प्स एंड द साउंड मेड बाय द विंड सीम लाइक अ डेथ लेमेंट, लाइक अ डेथ सॉन्ग। ओके, ये सारे आपको एग्जाम्पल्स देने हैं कि वहां का जो एरिया था वो कैसा लग रहा था। एंड द प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड ग्रोथ सीम टू हैव स्टॉप्ड इन दिस हार्श विंटर, और ऐसे लग रहा था कि द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन एंड डेथ हैज बीन स्टॉप इस विंटर में। एवरी बीइंग ऑन अर्थ सीम टू रिफ्लेक्ट द सेंस ऑफ एपैथी। एपैथी मीन्स द लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर इनडिफरेंस होना, या कोई भी उनके अंदर एंथुजियाज्म नहीं था ऐसा दिख रहा था। मैन हैज लॉस्ट द सेंस ऑफ फेलोशिप एंड किनशिप,
विच कीप्स अ कम्युनिटी टुगेदर. एकता की जो भावना थी एवरीवन हैज लॉस्ट दैट सिंस द वर्ल्ड आउटसाइड बाय एक्सटेंशन ऑफ स्पिरिचुअल इमोशनल एंड सोशल डिड नॉट गिव द सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड वॉर्म्थ. मैन हैड रिटायर्ड इंडोर्स टू सीक वॉर्म्थ विद इन हिमसेल्फ. और यही एक चीज बोली गई है कि जस्ट बिकॉज की बाहर लोगों में आपको वॉर्म्थ नहीं दिखती तो पीपल व्हाट दे हैव डन दे हैव गॉट इनटू देयर ओन होम्स एंड दे हैव फाउंड द वॉर्म्थ इन देमसेल्व्स. उनको दूसरों की कंपनी से ज्यादा अपने खुद अकेले रहना समझ में आता है. देन द सेकेंड क्वेश्चन वॉज अबाउट द एटमोसफेयर. दिस वी विल स्टडी हेयर. ये वाला जो पार्ट है सेकेंड वॉज एटमोसफेयर कैसे सडनली चेंज हुआ है तो दिस वी विल स्टडी हेयर. जिसमें ओके आई थॉट कि हम नेक्स्ट पेज पे ऐसे पहुंच सकते हैं पर हम नहीं पहुंच सकते हैं. तो द नोट ऑफ ब्लीकनेस एंड ग्रेनेस. देखो ये था कि जो एटमॉस्फेयर है वहां का वो कैसे सडनली चेंज हो जाता है. अभी तक वहां पर क्या दिखाया जा रहा था बहुत ज्यादा ग्लूमी एटमॉस्फेयर था बट अब द नोट ऑफ ब्लीकनेस. ब्लीकनेस समथिंग दैट इज लैकिंग जॉय. And grayness was abruptly broken by a joyous bird song, जो कि thrush थी, that seemed to rise from the bleak twigs overhead. वहां पर कुछ twigs थी, लकड़ियां थी पतली पतली सी जो branches होती हैं, तो उसी के ऊपर से वो निकली बाहर. And it seemed that if an aged thrush, which is described as frail, यहां पर ऐसे लग रहा था that the bird was an aged, बहुत ज़्यादा old thrush थी और she or he has been described as frail, gaunt, थोड़ी सी lean थी, bent थी, small थी and with blast be ruffled plume, मतलब कि उसके जो feathers थे बहुत ज़्यादा फड़फड़ाए हुए थे, बहुत ज़्यादा disarranged थे, अच्छे से नहीं उसके जैसे combed होते हैं. अगर आप birds को देखो जब भी वो अपने birds अपने जो फेदर्स है उनको फ्लटर करती हैं तो वो बी रफल्ड हो जाते हैं. हैड चूजन टू फ्लिंग इट्स सोल, मतलब टू थ्रो इट्स सोल या पूरी अपनी जान लगा करके कोई सॉन्ग गाना इनटू द एनवलपिंग डार्कनेस एज इट सैंग अ फुल थ्रोटेड सॉन्ग. उसने क्या किया पूरे इच्छा पूरे गले पूरे मन पूरी जान से उसने एक सॉन्ग गाया that with unlimited joy. A special note comes in with the use of the word evensong. Evensong which reminds the vespers. Vespers मतलब जो evening prayer होती है. The use of this word seems particularly meaningful when one remembers. ये part अपने पास कहीं लिख लेना. इसका क्या मतलब है कि इवन सॉन्ग का यहाँ पर देखो डेप्थ मीनिंग क्या दिया हुआ है. द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल ब्लीकनेस एंड इनसिक्योरिटी दैट वॉज फेल्ड बाय द थिंकर्स ऑफ दैट एज. तो उस टाइम के लिए ये एक इवन सॉन्ग के जैसा था. यूज ऑफ इवन सॉन्ग सीम्स एन अफर्मेशन ऑफ द रोल ऑफ फेथ एंड रिलीजन. वो लोग जिनके अंदर उस टाइम पर इनसिक्योरिटी थी वो इवनिंग सॉन्ग उनके मन में एक फेथ जैसे जगा रहा था. Since the aged thrush with blast be ruffled plumes. देखो someone asked me कि एक से उसमें हम लोग कितने ज्यादा quotes use कर सकते हैं. तो एक चीज आप notice करोगे इसमें सिर्फ छोटे छोटे से keywords use हुए. एक ये frail, gaunt and small. एक ये वाला part use हुआ है इसमें. एक ये यूज हुआ है ब्लास्ट बी रफल्ड प्लूम जिसको यहाँ पे दोबारा से यूज किया. एक ये एज्ड थ्रश यूज हुआ है और एक ये इवन सॉन्ग यूज हुआ है. तो सिर्फ काम की चीज है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरा एक स्टेटमेंट लर्न करो क्योंकि अगर गलत हुआ आपने गलत लिखा तो एग्जामिनर पर गलत उसका असर पड़ता है. तो इट्स रादर बेटर कि आप छोटे छोटे से कीवर्ड्स यूज करो कि जो थ्रश थी वो कैसी थी. इट वॉज अ एज्ड थ्रश. Now since the aged thrush with blast be ruffled plumes flings its soul upon the encircling bloom, जितनी वहां पर उदासी छाई थी उसके ऊपर वो अपनी soul उसने ऐसे करके फेंकी, मतलब उसने एक song गाया जिसने उस gloom को खत्म कर दिया. The atmosphere कैसा हो गया, it seems to lighten and lose some of its bleakness. और उसके कारण जो वहां पर उदासी gloominess छाई थी वो खत्म होने लगी. ओके okay. और उसके बाद द नेक्स्ट
पार्ट ऑफ दिस इज कि स्टोरी ऑफ एन आवर पे कहाँ पहुंच गए हम। हाँ, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट एट द एंड ऑफ द पोएम। तो इसमें वी विल स्टडी कि वो कितना सरप्राइज्ड कंफ्यूज्ड था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि डार्कलिंग थ्रश ऐसे टाइम पर भी, जस्ट बिकॉज देयर इज एवरीवेयर देयर इज ग्लूम, वो इतनी खुश क्यों है या उतना खुश क्यों है। द पोएट कुड नॉट फाइंड एनी कॉज ऑफ द बर्ड्स जॉय, एज यू नो कि उसकी खुशी एस्टेसी या के का जो रीजन था वो उसको नहीं पता। द सराउंडिंग ग्लूम डिड नॉट सीम टू प्रोवाइड एनी कॉज, जितना उसमें पूछा गया, देखो पोएट्रीज बहुत इजी होती है, आपसे जितना पूछा गया है वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे बन करके आएंगे कि उसमें क्या पूछा गया, बस यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट पोएम। जो सराउंडिंग ग्लूम था दैट डिड नॉट प्रोवाइड एनी कॉज फॉर एक्सटेटिक सॉन्ग, हाउ एवर द पोएट फेल्ट दैट द हैप्पी गुड नाइट एयर सीम्ड टू रिफ्लेक्ट सम ब्लेस्ड होप विच द बर्ड न्यू ऑफ एंड विच द पोएट वॉज अनअवेयर। मतलब कि ये जो गुड नाइट एयर जो विंड चल रही है उससे कुछ होप है जो उस बर्ड डार्कलिंग थ्रश को मिल रही है, बट द पोएट इज नॉट अवेयर ऑफ इट। द पोएम सीम्स टू प्रोवाइड अ नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मीन्स वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और ऑप्टिमिज्म देखना एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज मतलब द बिलीफ ऑफ लुकिंग एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज नोन एज ऑप्टिमिज्म। इन द मिड्स ऑफ ऑल पेसिमिज्म, हु लुक्स एट डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज पेसिमिस्ट। तो उसका जो आइडिया होगा दैट इज पेसिमिज्म। दैट सीम्ड टू मार्क द एंड ऑफ द सेंचुरी, उसके बदले पेसिमिज्म के बदले देयर इज रादर ऑप्टिमिज्म। ऑल्दो ही ऑल वॉज नॉट राइट विद द वर्ल्ड, येस ऑल वॉज नॉट लॉस्ट। बीनीथ द विंट्री डेजोलेशन देयर ले इटर्नल पर्ल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ। मतलब कि जब हर जगह उदासी छाई थी तो देयर वॉज सम होप दैट देयर विल बी इटर्नल एवर लास्टिंग पर्ल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ, मीन्स जर्मिनेशन एंड बर्थ कैन बी देयर, जो पहले नहीं था। एंड देन द थ्रश thus symbolized the spirit of resurrection of new life of joy and hope। मतलब जो thrush है वो वहां पर किस चीज का सिंबल है, वो वहां पर सिंबल है होप का, रिवाइवल ऑफ न्यू लाइफ का। दैट ले इन द स्टोर इन द फ्यू दैट ले इन स्टोर इन द फ्यूचर, कि वो कहीं छुपी हुई थी कि इट विल कम आउट इन द फ्यूचर। ऑल्दो द नॉलेज ऑफ होप इज ओनली अवेलेबल टू द बर्ड, सिर्फ बर्ड को ही पता है कि वो होप किस चीज के लिए है या वो कैसे आया, बिकॉज पोएट वॉज नॉट अवेयर, ही के नॉट फाइंड इट। हार्डी द पोएट एक्सेप्ट द बर्ड्स का जो सॉन्ग है दैट इज अ साइन दैट देयर इज सम होप इन द फ्यूचर। एंड यू कैन ऑल्सो टेल दैट द पोएट वॉज वंडरिंग, ही वॉज पजल्ड, ही वॉज कंफ्यूज कि वाई इन सच ब्लीक एरिया और इन सच ब्लीक एटमोसफेयर द बर्ड इज सिंगिंग द सॉन्ग। ओके, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ टेक्स्ट, जितना क्वेश्चन का पार्ट था वो हमने समझा दिया। अब इसमें आई विल बी टेलिंग यू कि क्या चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वेल यू विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चन। फर्स्ट इज मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट जो था जिसमें ब्लीक पिक्चर को डिस्क्राइब करना था, मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स वर नॉट एबल टू राइट दिस आंसर प्रॉपरली, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डे लैक्ड रेलेवेंट डिटेल्स। आपको एक एक चीज को अलग अलग बताना है, उसको पॉइंट्स में नोट डाउन करो। देर वॉज नो एफर्ट टू रेफर टू क्लोजली टू द टेक्स्ट, जहां पर आपको टेक्स्ट के कोट्स बताना बहुत जरूरी है। द पेंटिंग ऑफ मूड and atmosphere was not brought out clearly, so you need to work on this. And then second question jisme ye batana hai ki atmosphere kaise change hua, to the suddenness of the change and the unexpected quality of the bird's song was not discussed by several candidates. मतलब जो बर्ड्स के सॉन्ग की जो क्वालिटी थी वो नहीं बताई गई थी। मेनी कैंडिडेट्स डिड नॉट ब्रिंग आउट द फुल थ्रोटेड सॉन्ग ऑफ द बर्ड और द कंट्रास्ट ऑफ जॉयनेस ऑफ द सॉन्ग विद द ब्लीक सराउंडिंग। बर्ड गाना तो गा रही थी लेकिन आपको ये ऑपोजिट में शो करना था कि इवन दो देर वॉज सो मच ऑफ ब्लीकनेस
Still, the bird had found some hope, due to which she was the song that she was singing was very joyous. And the last is कि poet के feelings उस time पर क्या थी? A sense of deep appreciation, poet appreciate कर रहा था. He was also wondering कि ऐसा क्या हुआ है कि bird गाना गा रही है. Puzzlement होता है confusion through lack of understanding, क्योंकि उसको जो poet था उसको समझ नहीं आ रहा था. Was not commented upon by several candidates. ये तीनों चीजें किसके पार्ट पे थी? Poet के पार्ट पे थी. He was appreciating, he was wondering, he was in puzzle. The poet kept emphasizing that the bird was also frail and gaunt. और मतलब ये बोला गया है दैट द वेरी सेम सर्कमस्टांसेस विच प्रोबेबली प्लेग्ड द पोएट, जो पोएट के सर्कमस्टांसेस थे, ही वाज लीन, ही वाज लीनिंग ऑन द कोपाइस गेट, सेम थिंग वाज देयर विद द बर्ड आल्सो. द रीजन फॉर द पोएट सेंस ऑफ ग्लूम वाज नॉट ब्रॉट आउट बाय मेनी कैंडिडेट्स, क्योंकि वहां पर इतना एटमोसफेयर ग्लूमी था. That the poet was also gloom and he gloomy, he could not find any reason of happiness. Some candidates, however, did not mention that the bird song gave the poet some semblance of hope. Now, semblance word you can underline. Semblance means appearance. भले ही जो reality हो वो far अलग हो, लेकिन कुछ कह लो कि एक appearance, एक दिखावा और एक show of hope पता चल रहा था बर्ड के सॉन्ग से. ओके, नाउ कुछ सजेशंस भी इसमें दिए हुए. इफ यू कैन स्टडी दैट यू शुड रीड द पोएम एवरी टाइम, रीड द पोएम एंड ऑल्सो अप्रिशिएट द फैक्ट दैट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेम्प्ररी इश्यूज एंड थॉट प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम. कि आप ये समझें कि पोएट का मूड, पोएम का टोन उस टाइम पर क्या है. And you need to understand again वही same चीज है कि mood और tone of the poem क्या है. Then the significance of certain terms and words used, ये इसमें समझना आपको है. Bleak picture, it resembles gloominess and the bird song represents hope. Then ensure that the students understand the poetic looks and devices, जिसमें आपको figures of speeches भी बोली जाती हैं कि you need to prepare these also. Explain symbolism, ये बहुत important part है इसका. And you need to mark the important movements in the poem, explain why they are relevant. जैसे starting में poet was only describing the atmosphere, उसके बाद bird गाना गाने लगी तो atmosphere change हो गया, और last में the nature of the poet की वो कैसा feel कर रहा था उस time पर. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. ये वाला जो पार्ट है दिस आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम आफ्टर आई विल कम्प्लीट माई क्रॉसिंग द बार. उसके बाद ये वाला पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे. आई वुड सजेस्ट कि इसकी लैंग्वेज, जस्ट बिकॉज इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आप इसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर लो डार्कलिंग थ्रश में. ऐसा कोई आसपास का क्वेश्चन आए ना तो पूरा का पूरा इसको चिपका सकते हो, इट्स ओके. बट ओनली यू नीड टू नो कि जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है हम उसको लिखें जबरदस्ती. ये नहीं कि पोएट की फीलिंग पूछी नहीं गई तो हम उसमें पोएट की फीलिंग भी लगा दें, ठीक है, ये नहीं. बट स्टिल द लैंग्वेज इज वेरी गुड, इट इज वेल फ्रेम्ड, तो यू कैन यूज द सेम लैंग्वेज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. रेस्ट वील बी डूइंग इन आर फर्दर वीडियोज. टिल देन कीप स्टडींग, प्रे फॉर योर प्री बोर्ड एंड फॉर योर बोर्ड. And you can share my channel with your friends also. Let them also bring 90 and 100 with their own efforts also. And best wishes for your exam. Thank you.